दोस्तों मेरे चैनल स्टडी किंग को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सारी की सारी नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, इडियम्स के बारे में। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाली थी ना, उसके अंदर मैंने ऐसे इडियम्स को कवर किया था जिसका लेना देना एनिमल से था। इडियम्स हाँ, अब मैं उन इडियम्स के बारे में बताऊंगा जिनका लेना देना क्लोथ से, ठीक है। अब देखो इन सभी को पढ़ते हैं और देखने की कोशिश करते हैं ये कहां से ओरिजिन हुए, कैसे बने, ठीक है, और क्यों इनका इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला देखिए, एज अप योर स्लीव, ठीक है। इसका मतलब देखो पहले क्या है, ए सीक्रेट एडवांटेज, ठीक है। इसका मतलब होता है ए सीक्रेट एडवांटेज। अब इसकी मीनिंग को पकड़ने की कोशिश करते हैं। ये जो होता है ना एज, इसका मतलब होता है इक्का, ठीक है। और ये जो स्लीव है ये एक्चुअली टोपी होता है, टोपी, ठीक है। तो जैसे कोई जादूगर देखा होगा आपने, हमेशा वो क्या करता है, टोपी के अंदर से खरगोश निकाल देना, टोपी के अंदर से ही सारी चीजें करता है। तो कई बार जो चीटर होते थे ना पहले टाइम में, अंग्रेजों ने तब बनाया, तो वो जब कुछ छुपाने होते थे, कोई पत्ता वगैरह, तो वो टोपी के अंदर छुपा लेते थे, ठीक है। तो अगर मान लो आपने अपनी टोपी के अंदर क्या छुपा रखा है, एस इक्का, तो वो एक सीक्रेट एडवांटेज हुई कि नहीं हुई आपकी। सीक्रेट तो है ही है देखो, क्योंकि वो ओपन नहीं है, सबको पता नहीं उस चीज का, ठीक है। और एडवांटेज तो होगी होगी अगर इक्का आपके पास है, जो सबसे बड़ा नंबर है, वो पूरा का पूरा जो आप खेल रहे हो गेम उसका फेस चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए बोला गया एस अप योर स्लीव, अगर आप अपने टोपी के अंदर इक्का छुपाए बैठे तो वो क्या है, सीक्रेट एडवांटेज है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, ठीक है। इसका मतलब देखो क्या है, एट वंस या फिर इमीडिएटली। क्या होता है कि दुनिया भर में ना जो रेस वगैरह होती है, तो दुनिया भर में जो रेस वगैरह होती है, जैसे कार की है, घोड़े की है, ठीक है, या फिर ह्यूमन पर्सन भी अगर मान लो भाग रहे, तो अलग अलग तरीके से स्टार्ट करते हैं। कहीं पर बंदूक फायर करके करते हैं, ठीक है, कहीं पे झंडा हिला के करने का सिस्टम है, कहीं कहीं पे क्या रिवाज था कि टोपी गिराते थे, ऐसे टोपी हाथ में लेते थे और वो क्या करते थे, गिरा देते थे। जैसे ही वो गिरा देते थे वो एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, तो उसी टाइम पे जैसे ही वो गिराते थे इमीडिएटली क्या करते थे, खिलाड़ी दौड़ना स्टार्ट कर देते थे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है एट वंस इमीडिएटली, ठीक है। फिर देखो बी इन योर बोनेट, बोनेट भी क्या होता है, हैट ही होता है, जो लेडीज पहनती थी ना, जैसे आपने कई मूवीज में देखा हो, गोल गोल करके हैट होता है इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से हैट होता है। अब पहले औरतें क्या करती थी, इसमें इसमें डेकोरेटिव होता था काफी, यानी फूल वगैरह इस तरीके से, ठीक है। कई तो ऐसे होते थे जैसे नकली के फल वगैरह टाइप भी डिजाइन होते थे उसके ऊपर, ठीक है। तो होते तो नकली थे ना, लेकिन अगर मान लो असली फूल होते तो मक्खियां वहां आती या नहीं आती, आती। तो कई बार क्या बोल देते थे लोग, देखो बी यानी मक्खी इन योर बोनेट, तो वो चिड़ा मतलब मजाकिया तौर पे कह लो या कुछ भी, तो उस पे कह लो, अगर बोनेट के वहां पर बी है तो क्या हो जाता था, वो क्रेजी आइडिया, यानी ऐसी चीज जो किसी को परेशान कर सके, ठीक है ना। मान लो किसी को तंग करने के लिए इस चीज का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। फिर आगे देखो, क्लोक एंड डैगर, मिस्टीरियस, इसका मतलब पता है क्या होता है, डैगर का, छुरी, छुरी होता है, बहुत बढ़िया, इसका मतलब होता है डैगर। और ये जो होता है ना, ये एक कपड़ा होता था उस टाइम पे जिससे उस छुरी को थोड़ा छुपाया जाता था, छुपाने के लिए हिसाब से, कवर करने के लिए, ठीक है। तो देखो यहां पर इसका मतलब क्या है, मिस्टीरियस, रहस्यमय, ठीक है। तो जैसे छुरी को ये कपड़ा छुपा लेता है, ठीक है, उस पर पर्दा डाल देता है, उसी हिसाब से जब लाइफ में किसी ऐसी चीज के ऊपर पर्दा डालने की इंसान कोशिश करता था, ठीक है, यानी किसी भी चीज को छुपाने की कोशिश करता था, तो उन्होंने क्या किया, इस तरह के इस इडियम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, क्लोक एंड डैगर, ठीक है।
मिस्टीरियस रहस्यमय चीज को बताने के लिए इसका इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर देखो ड्रेस्ड टू किल, बोलते ना आज तो बिल्कुल कातिलाना लग रहा है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर इंसान इतने अच्छे से ड्रेसअप करे, ठीक है, कि कह देना भाई कोई देखेगा तो मरी जाएगा, ठीक है, तो इसका मतलब ड्रेस्ड टू अट्रैक्ट अटेंशन, किसी की अटेंशन को अट्रैक्ट करने के लिए अगर इंसान बहुत अच्छे तरीके से सजता संवरता है तो हम कह सकते हैं ड्रेस्ड टू किल, ठीक है। फिर देखो ईट योर हैट, ठीक है, इसका मतलब देखो क्या है, सेइंग दैट यू विल डू समथिंग इम्पॉसिबल इफ योर वर्ड्स आर प्रूवन रॉन्ग, ये क्या होता है कि अगर आपने जो कहा वो पूरा नहीं हो पाता तो आप वो चीज करोगे जो लगभग लगभग क्या है नामुमकिन है, ठीक है। जैसे ईट से होता खाना, योर हेड, क्या कोई इंसान अपने हेड को खा सकता है, वो खाने की चीज नहीं है ना, तो उसको खाना तो लगभग नामुमकिन है, इम्पॉसिबल चीज ही है ना। तो अगर मान लो आप कोई कमिटमेंट कर दें और उस कमिटमेंट को पूरा ना कर पाए तो फिर इंसान ये कह देता था अगर मैं ये नहीं कर पाया ना आई ईट माई हेड, मैं अपनी कर लूंगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता था कि मेरी जो कमिटमेंट मैं पूरा श्योर हूं कि मैं होगी होगी पूरी, ठीक है, नहीं हुई तो मैं क्या करूंगा आई विल ईट माई हेड। तो ये हो जाता था कि जो तुम कहोगे वही कर लूंगा एक हिसाब से, ठीक है। फिर देखो फैदर इन योर कैप, कैप वही हो गया चोपी वाली बात होगी, और फैदर क्या हो गया पंख होता है, इसका मतलब देख लो क्या है, ए ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं टोपी कहूं या पगड़ी कह दूं, ठीक है, तो हमारे कल्चर में भी क्या होता है कि जो पगड़ी होती है राजा का जो ताज होता था, कुछ भी लगा लो जो हम सर पे पहनते हैं, वो मान और सम्मान का प्रतीक होता है, ठीक है। कई बार आप देख लो हरियाणा के अंदर भी अगर दो गुटों के बीच में झगड़ा हो गया तो कई बार समझौता करने के लिए बड़े लोग सामने आते हैं, पंचायती लोग जिनको बोलते हैं, और जब उनको लगता है कि बात मानी नहीं जा रही तो वो कई बार क्या करते हैं ट्रिक लगाते हैं, वो अपना खिड़की उतार के उसके सामने रख देते हैं, लल्ले हमने पूरी अपनी इज्जत उतार कर रख दी, ठीक है, हम बात ही नहीं मान रहे, लल्ले लात मार दे इसका, और अपने तो वो क्या करते जब अपनी खिड़की वो उतना नहीं होता सर उससे, वो कहते नहीं नहीं बोले मैं मान लूंगा, नू ना इस तरीके से मत करो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे कैप जो है ना, यानी जो भी हम सर पे पहनते हैं वो हमारे मान और सम्मान का प्रतीक है, ठीक है। अब इसमें देखो यहां पर क्या ऐड हो रहा है, फैदर ना, तो ये तो पॉजिटिव ही चीज हुई, इससे जो है इसका मान सम्मान घटा या बढ़ा, बढ़ेगा, और ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा ये, तो इसलिए कहते हैं ग्रेट अचीवमेंट, ठीक है, कर लोगे फ्री कोई प्रॉब्लम,